तो फ्रेंड्स, जैसा कि सब लोग ना कमेंट कर रहे थे, खास तौर से लखन से कमेंट कर रहे थे कि आप जो इंटरफेयर करो या फिर आप जो प्रोटेक्ट करो या फिर आप जाके उसको सहारा दो, ये सब चीज़ें कमेंट कर रहे थे। तो कल एक व्लॉग डालने के बाद में, यानी कि उस व्लॉग के एंड में उन्होंने ये बातें कही थी कि किस तरह से वो सपना से मिले, किस तरह से वो शॉकिंग रहा और किस तरह से वो मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे और सबको बोल रहे थे कि भाई उसको मोटिवेट करने के लिए कमेंट्स करो, ये सब करो। नीतू ने भी आके बहुत दुख दिखाया अपना, कि वो सब देखकर सुनकर वो बिल्कुल अंदर से हिल गई और कभी भी उसने ये बात कही नहीं इस बात के लिए। तो ये एक व्लॉग में डाल के उन्होंने अपनी चिंता और अपनी जो परेशानी जो जाहिर की थी, और ये भी बताया था कि वो गए भी थे, उसके बाद में भी उसने कभी कोई ऐसी बात कही नहीं। और अब भी उसने फ़ोन पर किया, लखन ने उनको फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद में भी उसने हमेशा यही कहा कि नहीं नहीं भैया सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल के इस व्लॉग के बाद में आज जो है लखन जो है लाइव आए थे, और लाइव आने का जो रीज़न था वो एक रीजन था, और वो रीजन था सपना के बारे में बात करना। लखन लाइव आए और काफ़ी सारे लोग उसमें जुड़े, और उसके बाद में उन्होंने बात करनी शुरू करी कि जिस तरह से ये चल रहा है ये बहुत अच्छा नहीं है, और लोग बाग जो लाइव भी आ रहे हैं, लाइव आके जो है इस तरह की भी बातें कह रहे हैं, उधर की भी बातें कह रहे हैं, उनको लगता है शायद इनसे कुछ उनको व्यूज़ बढ़ जाएंगे या व्यूज़ मिल जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही गंदी बात है, बहुत गलत बात है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो लोग आके इस तरह से उसके लिए गलत गलत बातें कह रहे हैं, भद्दी भद्दी बातें कह रहे हैं, वो लोग सुधर जाएँ, मान जाएँ इस बात के लिए, और वरना तो वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। उनका कहना ये था, लखन ने पूरी पूरी थ्रेड दी उनको कि भाई आज तक तुम लोग ये जो करते रहे हो ना, तो किसी ने आपको जवाब दिया नहीं होगा, आप सुधर जाओ, मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब वो दबे जुबान में ये कहना चाह रहे थे कि अगर तुमने आगे भी ऐसी हरकत करी तो फिर अब कोई है जो बेसिकली तुमको इसका ठोक कर जवाब दे। लखन ने कहा, और तुम्हें लगता है कि भाई इस तरह से कुछ कर सकते हो तो करो, और आके वो थ्रेड देते हैं, ये भी कहा उन्होंने, बताया उन्होंने कि भाई ना केवल बुरा बुरा बोलते हैं बल्कि थ्रेड भी देते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं। तुम्हारा जो थ्रेड करने का रवैया, तुम्हारा इस तरह की बातें बोलने का रवैया और इस तरह से कुछ भी कमेंट करने का रवैया जो है ना, ये सब बंद हो सकता है। और तुमको पता नहीं है कि अगर तुमको ऊपर जो केस कर दिया गया ना, तो तुम जो भागते फिरोगे। फिर उन्होंने साथ साथ जो है ना उनको धमकाया, धमकाने के बाद में लोगों से भी कहा कि भाई आप सब लोग जो है ना उसके लिए अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, उसको जो है मनोबल बढ़ाने के लिए बातें कीजिए, वो इतनी ट्रोमा इतनी परेशानी से गुजर चुकी है, और फिर उसको अब अपने दो बच्चियों को संभालना है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखो भाई, आपको किसी के मामले में बात करके क्या फ़ायदा, ये उनका घरेलू मामला है, और घरेलू मामले में बहुत सारी बातें ऊपर होती हैं, बहुत सारी सारी चीज़ें नीचे होती हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई बाहर वाला आके कमेंट करे ये एक अच्छी बात नहीं होती। और उन्होंने अपने लिए कहा कि भाई देखो, मैंने भी कभी इसमें जो है वो इंटरफेयर नहीं किया, ये उनका मामला है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलना चाहता कि वो अच्छा कर रहे थे या बुरा कर रहे थे। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी कोई नहीं बनता कि आप उनको बुरा कहें, ये सब कहें, ये सारा उनका जो है आपसी मामला है। ये बात बहुत बहुत मैच्योरिटी के साथ कही। मैंने भी देखा है, जब इनके फैमिली में हुआ था तब भी जो है कभी भी इनके मुंह से कोई बात नहीं निकलती थी, यानी लखन ने कोई भी नेगेटिविटी कहीं से भी कोई बात नहीं करी। इतनी सारी बातें हुई, कमेंट्स में बातें हुई, वैसे बातें हुई, व्लॉग पर व्लॉग बने और जवाब पर जवाब आए व्लॉग के, लेकिन उसके बाद में भी कभी भी उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं कही जो कि अपने माँ बाप और इन सब के लिए गलत हो। बल्कि वो ये सब देखकर एक बार तो नर्वस ब्रेकडाउन में चले गए थे, और उसी की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा। मतलब उन्होंने जो है अपने अंदर दुख झेला, लेकिन उसके बाद में भी कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। ये एक्चुअली कमज़ोर नहीं, बहुत मजबूत आदमी की निशानी होती है, और ऐसा वही आदमी कर सकता है जो ये सब चीज़ें सहन करने की शक्ति रखता है। लेकिन उन्होंने अपना मेंटल कंट्रोल नहीं खोया और किसी भी तरीके से कोई और बात कहने से बहुत बचे। जहाँ तो इतने उकसाने वाले थे, इस तरह की बातें आती थी कि जिसको ऊपर भड़क के कोई भी जो है ना बोल सकता था और कुछ भी कह सकता था, लेकिन बोलें किसके खिलाफ़, ये सब जो है ये अपने ही तो हैं। लेकिन लखन ने अगर स्टैंड लिया तो बस दो बार स्टैंड लिया, एक बार स्टैंड लिया अपनी वाइफ के लिए लिया, क्योंकि जब उसके बारे में ये सब बातें की जा रही थी तो डेफिनेटली एक हस्बैंड को बनता है कि उसका उसके लिए स्टैंड ले, और उसके लिए वो स्टैंड अपने माँ बाप के लिए भी लिया उसने कि भाई मेरे माँ बाप को मेरी वाइफ के बारे में ये सब इस तरह की बातें कह के ये ठीक नहीं है। सेकेंडली, जब लोगों ने उसके ऊपर लांछन लगाने शुरू किए तब उन्होंने एक बहुत ही टाइट स्टैंड लिया,
और पुलिस कंप्लेन करी और पुलिस कंप्लेन ही नहीं करी, उनको बहुत सारे रिकॉर्ड्स और सबूत देने की कोशिश करी कि भाई ये सबूत हैं, आप लोग जो है उनको पकड़िए, उनको बात करिए, और कई बार, एक बार नहीं, कई कई बार लाइव आकर उन सब लोगों को पूरी तरीके से धमकाया, साथ साथ बताया कि तुम ये मत सोचो मेरी वाइफ है तो मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, तो तुम ऐसा करने से बाज आओ और ये सब हरकतें छोड़ दो। दूसरी बार उन्होंने स्टैंड लिया था, अपनी सिस्टर के लिए लिया था, जब उनकी शादी की बात हो रही थी तो उन्होंने अपने सिस्टर का साथ दिया कि नहीं, वो जहाँ शादी करना चाहती है उसको वहीं शादी करनी चाहिए और वो उसका साथ देंगे। तो नीतू और दोनों ने, लखन ने दोनों ने अपनी सिस्टर का साथ दिया, यानी अपनी ननद का साथ दिया उसने। तो अल्टीमेटली ये बात नहीं है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, वो जो भी कुछ करते हैं वो करके भी दिखाते हैं, इसीलिए वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई दूसरे के मामले में बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये उनका घर का मामला है तो हमें उसके बारे में कुछ भी बोलना, बड़ा बोला कहना, ये सब जो है शोभा नहीं देता और ना ही हमें कहीं करना चाहिए। दूसरा जो मेन मकसद था उनके आने का वो यही था कि उन लोगों को चेताना चाहते थे, चेतावनी देना चाहते थे, वार्निंग देना चाहते थे कि आप इस तरह की चीज़ों को मत करो वरना जो है आपके खिलाफ केस वगैरह ये सब हो सकते हैं। उन्होंने सब व्यूवर्स से भी कहा कि भाई देखिए, अगर ये सब लोग इस तरह की हरकतें आप एक दोबारा करते हैं तो आप जिस जिस सिटी से भी हैं, अगर आप हर सिटी से दो बंदा भी केस करेगा ना तो इन पे एक नहीं दो नहीं कम से कम 300-400 केस हो जाएंगे और फिर उसके बाद में ये भागे फिरेंगे कि हम कहां मुंह छुपाएं और किस तरीके से इन सब चीजों से बचें। भाई मान जाओ, मान जाओ ये हरकतें सही नहीं है, वो एक औरत है, ऑलरेडी प्रताड़ित है, बहुत ज्यादा परेशान है, इतनी यातनाएं झेल चुकी है, उसके बाद में भी उसके बारे में कहना, अरे छोड़ दो यार, जो हो गया सो हो गया, ना उनकी कहो ना उनकी, ना फिर ना इनकी कहो, जिंदगी तो आगे चलती है ना, जो जिंदगी चलाने के लिए जो जो चाहिए वो अपने आप करेंगे और यहाँ पर सपना अपने आप करेगी। अगर उन्होंने अच्छा किया है या बुरा किया है तो इसका फल उन्हें मिलेगा, तो डेफिनेटली उनकी उम्र भी ऐसी है तो उनको आगे चल के इस बात का पता चलेगा कि उन्होंने ये जो किया है ये उनके फायदे का सौदा था या नुकसान का सौदा था, वो उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, इससे उनका जो ऊपर वाला लोक है वो सुधरेगा या बिगड़ेगा। ये जायदाद जो उन्होंने अपने पास रखी, ये गहने जो उन्होंने अपने पास रखे, ये उनके लिए अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे, ये सारा आउटलुक देखना ये उनका काम है, ये वो देखेंगे। दूसरी तरफ अगर सपना की बात करें तो सपना ने भी मूव ऑन किया है, कम से कम वहाँ से बाहर निकली है, एक नई फ्लैट की खोज में है, नया फ्लैट उसको मिल गया है, वो अपने बच्चों के साथ में वहाँ पर रहना चाहती है, उनका स्कूल में एडमिशन कराना चाहती है, उसके पास बहुत काम है, उसके पास बिल्कुल सोचने का वक्त नहीं है कि क्या वक्त गुजर गया और क्या किसने उसके साथ में बुरा किया या अच्छा किया। अब उसको उससे भी ज़्यादा ये सोचना है कि उसको आगे आने वाले वक्त में क्या क्या काम करने हैं और वो कैसे करेगी और किस तरीके से अपने बच्चों को संभालते हुए आगे अपनी ज़िंदगी वो लेकर जाएगी। देखा जाए तो ये सोच जो है एक मैच्योर आदमी की हो सकती है, एक अच्छे आदमी की हो सकती है, तो हम सब लोगों को यही बनने की कोशिश करनी चाहिए और लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए। अगर वो प्रॉब्लम में है तो उनको अपना सपोर्ट दीजिए, इससे वो अपने आप ही खड़े होंगे। देखिए उनका दुख वही दूर कर सकते हैं और आगे आने वाले वक्त में लड़ने का काम वही कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ सपोर्ट दे सकते हैं उन्हें हर तरीके का, और जो लोग उनको परेशान करते हैं, जो लोग इनके लिए बात करते हैं, उनकी भी क्रिटिसिज्म करनी चाहिए। लास्ट में एक बार फिर हाथ जोड़ के उसने उन सब ट्रोलर्स से और इस तरह की गलत बातें करने वालों से प्रार्थना करी कि भैया ये सब बंद कर दो, बंद कर दो, इसमें कुछ नहीं रखा है, आने वाले समय में अगर तो आप फिर भी आप ऐसा करोगे तो इसका आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो ये एक लखन ने बहुत बहुत ही अच्छा काम किया, कम से कम कुछ ट्रोलर्स उससे डर के या कहिए उसकी बात सुनकर या कहिए जिनके दिल दिमाग और दिल में थोड़ा बहुत अच्छा है लेकिन खाली व्यूज़ के लिए कर रहे हैं तो वो कम से कम ये करना बंद कर देंगे, और नहीं किया तो भैया उनका इलाज तो है, ऐसा तो नहीं है कि वो ये सब करते चले जाएंगे और ये दूसरी तरफ जो है सब कुछ सहन करना पड़ेगा। तो चलिए जिस अच्छी सोच से उसने लाइव किया था उसी अच्छी सोच के साथ में हम ये पॉडकास्ट का एंड करते हैं, और ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और सपना को बहुत बहुत अपना सपोर्ट अपना प्यार दीजिए जिससे कि आने वाला वक्त उसके लिए बहुत अच्छा हो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।